तो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वायरल टमाटर की चटनी की रेसिपी। इसको पूरी पराठे के साथ, दाल चावल के साथ सर्व कीजिए। बहुत ही मजे की लगती है, खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। एक बार आप ट्राई जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। चलिए देख लेते हैं हमने इसको कैसे बनाया है। टमाटो की चटनी बनाने के लिए इधर हमने एक पैन चढ़ा दिया है। पैन को हमने अच्छे से गर्म कर लिया है। इसमें हम यहाँ पे 1 से 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल डाल देंगे। इसको आप सरसों के तेल में बनाएंगे तो ये बहुत ही मज़े की हमारी चटनी बनकर तैयार होती है। तेल को भी हमें हल्का हल्का सा गर्म कर लेना है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर हम तेल को नहीं गर्म करेंगे। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया। इधर हमने 4 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, जिसको हमने इस तरह से बीच बीच में से कट कर लिया है। पहले इसका ऊपर का भाग को इस तरह से कट कर लीजिएगा। सभी को आप देख सकते हैं इस तरह से, आप सभी के पहले कट करने के बाद आप इसको बीच में से इस तरह से कट कर लीजिए। तेल इधर हमारा गर्म हो चुका है। तेल हमारा गर्म हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हमने हाई फ्लेम पर नहीं गर्म करना है। जो हमने टमाटर को काट के रखा है वो हमें इस तरह से इसके ऊपर उल्टे करके इस तरह से रख देना है। सभी टमाटरों को आप चाहें तो टमाटर की क्वांटिटी अपने हिसाब से बढ़ा या घटा सकती हैं। यहाँ पर हमने 4 टमाटर से इसको बना रहे हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से हमने सभी टमाटरों को लगा दिया है। इसी के साथ ही हमने यहाँ पे 7 से 8 लहसुन लिए हैं। उसको भी हमें इस तरह से, जो टमाटर का साइड साइड वाला भाग जो खाली है यहाँ पे, हमें उस तरफ जो है इसको इस तरह से लगा देना है। जिस हिसाब से टमाटर की क्वांटिटी बढ़ाइएगा तो उस हिसाब से आप लहसुन को भी जो है बढ़ा लीजिएगा। इस तरह से हमें इसको अच्छे से फैला देना है, देख सकते हैं। अब इसी के साथ ही हम यहाँ पे इसमें जो है इस तरह से नमक डाल देंगे। इस तरह से आप टमाटर के ऊपर नमक डालिएगा ताकि हमारे टमाटर जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालिएगा, आप उसी हिसाब से डालिएगा जिस हिसाब से आपके टमाटर हो। आप देख सकते हैं इस तरह से हमें टमाटर के ऊपर ही नमक डालना है और हमें कहीं नहीं डालना है। इसको हम कवर कर देंगे और कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको 3 से 4 मिनट तक के पका लेंगे। इधर हमारे टमाटर को पकते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से हमारे टमाटर एक साइड से पक चुके हैं और ये हल्के हल्के से देखिए सॉफ्ट होना शुरू भी हो गया। अब हम इस तरह से टमाटर को पलट देंगे। हमें सभी टमाटर को इस तरह से पलट देना है और पलट के हम इस साइड से भी टमाटर को जो है इसी तरह से पका लेंगे। अब देख सकते हैं मेरे टमाटर में हल्का हल्का सा जो है कलर आना शुरू हो गया है। इस तरह से टमाटर पकेंगे तो बहुत अच्छी सूंदी सी हमारी टमाटर की चटनी बनके तैयार होती है और बहुत ही मज़े की लगती है। आप इसको पूरी पराठे के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही मज़े की लगती है। अब इस तरह से हमने सभी टमाटर को उलट दिया, हमारा लहसुन भी बहुत अच्छे से पक रहा है। फिर से हम इसको कवर कर देंगे और कवर करके इसको हम फिर से 2 से 3 मिनट तक, अब हम फ्लेम को एकदम मीडियम लो कर देंगे और मीडियम लो फ्लेम पर ही हम इसको पकाना है। इधर हमारे टमाटर को पकते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से हमारे टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। इसमें से एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। अब इस तरह से हमें सभी टमाटर को पलट देना है और पलटने के बाद जो ये हमारे टमाटर की जो छिलके वगैरह हैं आप देख सकते हैं अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और बहुत ही आसानी से निकल रहे हैं। इस तरह से हमें सभी टमाटर के छिलकों को जो है निकाल लेना है। ये छिलके जो है वो हमारे गलेंगे नहीं, वो इसी तरह से रहेंगे, इसलिए हमें सभी छिलकों को हम निकाल लेंगे तो हमारी चटनी जो है मज़े की बनकर तैयार होगी। इस तरह से हम सभी को पलटना है और हमें छिलकों को निकाल लेना है। इधर आप देख सकते हैं हमने सभी टमाटर में से छिलके वगैरह एकदम निकाल लिए हैं। हमारे टमाटर बहुत अच्छे से एकदम सॉफ्ट हो चुका है। हमारे लहसुन भी जो है बहुत अच्छे से एकदम पक चुके हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ये मैश हो रहे हैं। आप सभी चीज़ों को हमें जो है किसी बर्तन में जो है ट्रांसफ़र कर लेना है, फ्लेम को बंद कर देना है। इधर हमने टमाटर को एक बर्तन में निकाल लिया। आप देख सकते हैं आप किसी मैशर की मदद से या फिर कोई स्पून की मदद से आप इसको अच्छे से मैश कर लीजिए। हमारा टमाटर बहुत अच्छे से गल चुका है। अब इस तरह से हम मैशर की मदद से इसको दबाएंगे तो ये अच्छे से एकदम मैश हो जाएगा। जो लहसुन और टमाटर हमारे बहुत अच्छे से मैश हो जाएंगे। इस तरह से आप कर लीजिए। अगर आपके पास मैशर वगैरह नहीं है तो आप किसी स्पून की मदद से भी इसको इस तरह से मैश करेंगे, ये बहुत अच्छे से मैश हो जाएगा क्योंकि टमाटर हमारे बहुत अच्छे से एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं। इधर आप देख सकते हैं हमने टमाटर को बहुत अच्छे से मैश कर लिया। हमारे टमाटर बहुत अच्छे से मैश हो गया। अब इसमें हम कुछ मसाले डाल देंगे, जिसमें हम 1/2 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर डाल देंगे और 1/2 टीस्पून से कम ही इसमें हम काला नमक डाल देंगे, क्योंकि हम अपने टमाटर में नमक पहले ही डाल चुके हैं, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा नमक यहाँ पर नहीं डालना है। इसी के साथ ही हमने यहाँ 2 मीडियम साइज़ की प्याज दी थी, जिसको हमने इस तरह से एकदम बारीक चॉप कर लिया था। हमें इसको इसमें डाल देना है। प्याज को एकदम महीन चॉप कर लीजिएगा। अगर आपकी बड़ी है तो आप एक ले लीजिएगा और छोटी है तो 2 ले लीजिएगा। और यहाँ पर 2 हरी मिर्चें ली है, जिसको हमने एकदम बारीक चॉप कर लिया, इसको हमें डाल देना है। हरी मिर्चियों से बहुत ही अच्छा चटपटा सा फ्लेवर आता है। यहाँ पे हमने अदरक लिया था, जिसको हमने इस तरह से ग्रेट कर लिया है। बहुत ज़्यादा हमें नहीं लेना, अगर स्पून से लेंगे तो आप यहाँ पे 1/2 टीस्पून अदरक को इस तरह से ग्रेट करके ले लीजिए या फिर आप इसको महीन महीन काट लीजिए। और इसके बाद सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इधर हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। लास्ट में इसमें हम हरा धनिया डाल देंगे। हरा धनिया आप इसमें खूब सारा डालिएगा तो ये बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है और इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी रहती है हरे धनिया का। अब इस तरह से हरे धनिया को भी हमें मिक्स कर लेना है। इधर हमने चटनी को अच्छे से मिक्स कर लिया। आप देख सकते हैं इधर हमारी वायरल टमाटर चटनी एकदम तैयार है। आप इसको इसी तरह से गर्मा गर्म पराठे के साथ, पूरी के साथ या फिर दाल चावल के साथ सर्व कीजिए। बहुत ही मजे की लगती है, खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। एक बार आप ट्राई जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी।